Remember, success never comes overnight. It is one step at a time. मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा। वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom. So success is not an overnight story. It is never a one day story. तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है। डायलॉग मार रहे हो पंचकुला वालों हैं? चलो एक बात याद रखना, द गॉडेस ऑफ एजुकेशन फाइंड्स इन डिफिकल्टीज। जो विद्या की देवी सरस्वती है ना, वो कठिनाइयों में मिलती है। जितना आज अपने आप को डेबिट करोगे ना, कल उतना क्रेडिट मिलने वाला है डियर। बस कुछ दिन और, बस थोड़े से दिन और, बस थोड़े से दिन और, ज्यादा नहीं है। किसी को 6 महीना, किसी के 7 महीने, किसी के 8 महीने, फिर देखना जिंदगी क्या होगी। उस दिन को मत भूलो जिस दिन आपका बोथ ग्रुप का नेट पर रिजल्ट आएगा। उस पल को महसूस करो, सुबह के 9 बजे के आसपास का टाइम होगा। उस पल को मत भूलो, उस दिन क्या खुशी मिलने वाली है। उस पल को सोचते हुए लगे रहो, बढ़ते रहो, अपने आप को समझाते रहो, बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और, बढ़ते रहो डियर। एक दिन देखना लाइफ कहाँ से कहाँ, जिंदगी बदल जाती है। एक नया जन्म मिलता है सीए बनने के बाद। मैं समझ सकता हूँ इस चक्रव्यूह में कितना फंसे। तो भाई उठो, 12 घंटे का आउटपुट नहीं निकालोगे ना अब से लेके आप एग्जाम तक, तो आ मत जाना सर फेल हो गए। कह मत देना आईसीए ने फेल कर दिया। जिस एग्जाम में आप फेल होंगे उस एग्जाम के रैंकर्स भी होंगे। उस एग्जाम में सर बच्चा 800 में से 600 से ऊपर नंबर भी ला रहा होगा जिस एग्जाम में आप फेल होंगे, याद रखिए। अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रही है। 2 अटेम्प्ट में 50-50% पढ़ाई करके आप पास नहीं हो सकते। 1 अटेम्प्ट में 100% करने से पास हो, समझ आ रहा है? तो अगर कर रहे हो ना कोशिश तो पूरी करो, नहीं तो पढ़ाई मत करो। ना पढ़ाई होगी ना लाइफ में एंजॉयमेंट होगा। इसलिए आज से इतना ही समझो, पढ़ाई कर रहे हो तो फुल शॉट, फुल स्ट्रोक में, नहीं तो पढ़ाई करने का नाटक मत करिए। 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने से कोई पास नहीं होता। आपको बोल रहा हूँ सच। व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल आई यूज्ड टू स्टडी 15 आवर्स 16 आवर्स एवरी डे। आखिरी के 5 महीने 5.5 महीने मैं इतना पढ़ा था बिकॉज मुझे मालूम था मैं बहुत एवरेज टाइप का स्टूडेंट हूँ। आई वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। ये मुझे मेरी औकात मालूम थी। अगर आप भी मेरे जैसे ही हो तो मेरे जैसे इंसान को पास होने के लिए 5.5 महीने लगे थे, 16 घंटे हर रोज़। आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो तो कोई बात ही नहीं, फिर आप 4 घंटे पढ़ लो, पर सामान्य इंसान के लिए इतना टाइम लगता है, और नहीं तो फिर अटेम्प्ट्स लगते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिलेबस समंदर है, हर रोज़ निकला जा रहा है हाथ से, है ना? अब तो जाग जाओ मेरे दोस्त। ना तो सिर्फ हार्डवर्क होता है, ना सिर्फ किस्मत होती है। यार मूड ऑफ था क्योंकि मैं रोज यार एक रूटीन फॉलो करता हूँ। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो। दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को नाइट का चिक चिक। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है गाइस कि यार गिव योर बेस्ट 100% दे दो इस बार शानदार वाला। देखो मैं बताऊंगा, आप ये समझो कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो मानना है वो मान के फॉर एग्जाम दे दो। किसी को कोई ज्यादा बाकी चीजों का प्रेशर है नहीं। जितनी पढ़ाई होती है उतनी करो, और यार 100% आपके पास काम क्या है आज यार, पढ़ना ही तो है। हर प्रोफेशन का अपना एक टाइम। साले तेरे को सीए बनना है ना, कि अभी कर। बीबीबीएस करना है साले, अभी कर। इंजीनियरिंग साला 70 साल की उम्र में करेगा, अभी कर। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। और अगर आप में से एक भी स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, अगर आपको ये लगता है कि मेरे लाइफ में सक्सेस नहीं है, आई एम नॉट अ सक्सेस, आई एम अ फेलियर, लेट मी टेल यू समथिंग, कि आप में से एक भी बच्चा खड़ा होकर मुझे बता सकता है सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? आई हैव फेल्ड मल्टीपल टाइम्स इन माय लाइफ। इन स्पाइट ऑफ माय फेलियर्स टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आई डिड नॉट लेट माय फेलियर्स एंटर माय माइंड। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। डू नॉट लेट योर फेलियर्स एंटर योर माइंड जस्ट बिकॉज अ पीस ऑफ पेपर सेज सो। दैट्स इट।